कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज़ सादिक इल्मी सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर अयाज़ सादिक ने कहा कि उन्हें इस्तीफे के हवाले से इल्म नहीं है। इससे पहले सरदार अख्तर मेंगल जो कि अपनी कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और मीडिया से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत बलूचिस्तान के मामलों को समझ नहीं पा रही है और ऐसे में मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं कौमी असम्बली का रुकन रहूँ या फिर पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज़ सादिक ने इस पूरे मामले पर लाइल्मी का इजहार किया है। बात करते हैं यासिर नज़र से। यासिर नज़र, अयाज़ सादिक कहते हैं कि उन्हें इल्म नहीं है कि सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक निजी होटल में यहाँ आए हुए थे एक तकरीब में। सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से जब कौमी असम्बली से इस्तीफे से मुतल्लिक उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली होते हुए ये उनकी तरफ से ये कहना था कि मेंगल के इस्तीफा मुझे तो आइडिया नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी को इस्तीफा जो है वो भिजवाया हो, मुझे इस्तीफे की खबर नहीं। ये स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से जब सहाफी हैं उनसे सवाल किया गया निजी होटल में तो उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा कि आप इस्तीफा मंजूर करेंगे या मुस्तरद। ये भी साफियों की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद ऐसे नहीं होता, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत जो है वो चलना पड़ेगा। हो सकता है कि क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल ने जब ये इस्तीफा वगैरह जमा करवाया सारा जो प्रोसेस हुआ तो उस दौरान याद सादिक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जब सारे प्रोसेस के बारे में सारे मामलात के बारे में उनके इस्तीफे के हवाले से उनसे दरियाफ्त किया तो उनको इस हवाले से खबर नहीं थी। बहुत शुक्रिया यासिर नज़र, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अपने व्यूअर्स को सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। जब चार वोटों की ज़रूरत होती है तो क्वेटे में आकर अख्तर मेंगल उनको याद आता है, उसके साथ मुआहदा तय करते हैं। जब चार वोटों की उनको ज़रूरत होती है तो अख्तर मेंगल उनकी निगोशिएशन कमेटी का जो है चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाता है। जब चार वोटों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जहाँ पर कम्युनिकेशन बलूचिस्तान के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है वहाँ से अख्तर मेंगल को वो ढूंढ निकालते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, ना यहाँ पे शर्म दिखती है हमें ना यहाँ हया दिखती है। अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। इस